हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून मैम। देखो, आज सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए लेके आया है एक बहुत सारी इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स जो आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो ना कभी यूज़ करी हो। मतलब हो सकता है कि आपको एक दो वेबसाइट्स का पता होगा इनमें से, बट यहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग उनको यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स। आज की हमारी फर्स्ट वेबसाइट है मैजिक इरेजर। इंस्टेंटली रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स और फ्लॉज इन योर फोटोज, मेकिंग श्योर योर इमेजेस लुक परफेक्ट एंड रेडी फॉर सोशल मीडिया। बहुत सारी इमेजेस हम ऐसे क्लिक करते हैं हम अपनी फोटोज में, या कभी भी आप कहीं जाते हो फोटोज क्लिक करते हो, हमारा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है जो हम अपनी पिक्चर में नहीं चाहते और हमें कहीं पर भी वो पोस्ट करना है और उसकी वजह से आप नहीं कर पाते। तो आपने क्या करना है, सिंपली इस वेबसाइट को सर्च करना है। इसकी लिंक यहाँ दे रखी है और ये जो जितनी भी वेबसाइट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये पूरी वीडियो हमारी यूट्यूब पे डलेगी और उसके नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक रहेगी, आप क्लिक करके डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट है मैजिक इरेजर। ये क्या करता है, हमारी पिक्चर्स में से जितना भी अनवांटेड पार्ट है उसको रिमूव कर देगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर आता है अपलोड पिक्चर, जो भी इमेज आपको चाहिए बस आपने यहाँ पे क्लिक करना और अपनी फाइल से जो पिक्चर आपको जिस पिक्चर में भी आपको काम करना है वो बस आपको सिलेक्ट करके यहाँ लेके आना है और उसमें से इस तरीके से पार्ट को सिलेक्ट करना होता है। जितना पार्ट आप सिलेक्ट करोगे वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ये पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कुछ था। ठीक है, सेकेंड है इरेज बीजी। बीजी मीन्स बैकग्राउंड। With just one click, remove photo background easily, allowing you to create transparent or custom background for any project. जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर मेरी कोई फोटो क्लिक करे तो ये पूरा बैकग्राउंड आ रहा है, बट मेरे को इतना सारा बैकग्राउंड अपने पीछे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बस एक सिंगल कलर आ जाए, ब्लैक आ जाए, वाइट आ जाए, ग्रीन आ जाए, ब्लू आ जाए, तो वो आप इस एप्लीकेशन से ईजिली कर सकते हो। बस आपको इस एप्लीकेशन पर जाना है, यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है, अपलोड इमेज पर क्लिक करना, जो इमेज आपको चाहिए वो आप इंसर्ट करो और उसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दो। सॉलिड कलर्स भी आते हैं और ग्रेडिएंट फिलिंग भी आते हैं, कस्टम बैकग्राउंड्स भी आते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो अप्लाई करोगे, उस पिक्चर के पीछे वो अप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अनस्क्रीन। इजीली रिमूव बैकग्राउंड्स फ्रॉम वीडियोज एंड जिप्स, टर्निंग योर मीडिया इनटू क्लीन रेडी टू यूज क्लिप्स विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। ये क्या करता है, फोटोज का मैंने बताया अभी आपको लास्ट स्लाइड में, अब ये है बात कर रहे हैं वीडियोस की, कि अगर हम कहीं पे वीडियो बना रहे हैं, मतलब आप कहीं वॉक कर रहे हो, अब आप चाहते हो कि जो मेरे पीछे का बैकग्राउंड है वो ग्रीनरी में आ जाए, हिल्स में आ जाए, पार्क की वीडियो आ जाए, कि ऐसा लगे कि मैं पार्क में वॉक कर रही हूँ, तो आप इजीली इस वाली वेबसाइट से इसको चेंज कर सकते हो। ऐड कस्टम बैकग्राउंड्स टू मेक देम यूनिक। ठीक है, आप जैसे देखते हो शूटिंग्स वगैरह होती है, अब ज़रूरी तो नहीं कि वो शूटिंग माउंटेन्स पे जाके हो रही है या पार्क्स में ही हो रही है, वो जस्ट ग्रीन पर्दे के ऊपर भी अपनी शूटिंग करते हैं और बाद में उस बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं। समझ में आया, इसको भी करने का तरीका बहुत इजी है। यहाँ पे अपनी छोटी सी क्लिप आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो और फिर वहाँ से कस्टम बैकग्राउंड्स का ऑप्शन आता है, बहुत सारे बैकग्राउंड्स आएंगे उनमें से किसी भी बैकग्राउंड को आप ऐड कर सकते हो। और ये जितनी भी वेबसाइट्स मैं आज आपको बता रही हूँ सारी फ्री है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता, बिल्कुल फ्री है, बस आपको लॉग इन करना है और इन वेबसाइट्स को डायरेक्टली यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है माई हेरिटेज फोटो एनहांसर। दिस टूल इम्प्रूव्स योर फैमिली फोटोज यूजिंग टॉप एडवांस टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, जैसे हमारी बहुत पुरानी पिक्चर्स होती है, बचपन की फैमिली फोटोज है, ब्लैक एंड व्हाइट में होती है, क्लियर नहीं होती, बहुत पिक्सल्स आ जाते हैं, ब्लरी होती है, तो आप उस पिक्चर को क्लिक करके इस वाली वेबसाइट पर जब लेके जाते हो अपलोड फोटो की हेल्प से, तो उसको आप इन्हांस कर सकते हो। इन्हांस इन द सेंस की शार्पनेस उसकी हो जाएगी, जो ब्लरी इमेज थी वो बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाएगी। ये सारी वेबसाइट्स मैंने खुद यूज़ करी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप भी इसको यूज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट है APK फॉर ऑल। APK स्टैंड्स फॉर एंड्रॉइड पैकेज किट और फॉर ऑल मीन्स फॉर एवरीवन। ठीक है, सेफली डाउनलोड प्रीमियम एंड मॉडिफाइड अदर एंड्रॉइड एप्स एंड गेम्स फॉर फ्री, गिविंग यू एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट एंड टूल्स विदाउट एनी कॉस्ट। जैसे हमारे सेलफोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन होती है जहाँ से आप काफ़ी सारे ऐप्स, गेम्स, इन सबको डाउनलोड करते हो और यूज़ करते हो, बट उनमें से कुछ में हमें पे भी करना होता है, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, बट यहाँ पर आप जितनी भी एप्लीकेशंस डाउनलोड करोगे, जितने भी गेम्स हैं, जितने भी एंटरटेनमेंट के लिए जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, उनको आप ईजिली यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट है बिगस्पीक, मोस्ट इंटरेस्टिंग वेबसाइट. मेक योर प्रेजेंटेशंस बेटर बाय चेंजिंग टेक्स्ट इनटू नेचुरल. इसका मतलब है कि आपने कोई टेक्स्ट अपना लिया, इस वाली वेबसाइट पे गए, आपने कोई टेक्स्ट कहीं से कॉपी किया, लाइक चैट जीपीटी पे जाते हो आप, कोई भी स्टोरी वहाँ से ले लो, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो. जब आप उसको यहाँ पेस्ट कर दोगे तो वो टेक्स्ट से वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे कार्टून्स आजकल बहुत ज़्यादा देखते हैं यूट्यूब पे, पीछे वॉइस आती है कार्टून्स के साथ साथ, तो उस वॉइस को आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो. ये है AI वॉइस जनरेटर. ठीक है, कि जैसे आपने सुना होगा वो क्रो वाली स्टोरी होगी या कछुए खरगोश की कहानी होगी, तो उसमें जो पीछे वॉइस आती है फीमेल की या मेल की, तो वो हम यहाँ से इजीली जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, या फिर जो आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हो उसका वॉइस के साथ साथ अगर आप चाहते हो कोई वीडियो भी आ जाए, मतलब कोई ह्यूमन उसमें बोलता हुआ नजर आए, तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शंस होते हैं. आपको कुछ ह्यूमन्स की फोटोज दे दी जाएंगी और आपको बस उस पर क्लिक करना है, ऐसा लगेगा कि वो ह्यूमन खुद से बोल रही है. ठीक है, या मेल है या फीमेल है, जिसको भी आप रखना चाहते हो. This way your message become clearer and more memorable. Next है Cool Maths Game. Cool Maths Games is a fun website where you can play a variety of educational games. These games focus on math, logic, strategy and problem solving skills. It's a great way to learn while having fun. ये किसके लिए use होता है? जैसे आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है फोन पे कितना time waste करते हैं, बट अगर आप उनको ये वाली एप्लीकेशन देते हो यूज़ करने के लिए, तो उनसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद उनका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा, क्योंकि ये सारा मैथ्स से रिलेटेड है. ठीक है, इसमें जितने भी गेम्स हैं वो सारी मैथ्स से रिलेटेड है. ठीक है, स्ट्रेटजी लगानी होती है, लॉजिक लगाना होता है, काफ़ी सारे गेम्स आएंगे, पजल्स के लिए होंगे, जंपिंग के गेम होंगे, कितना सेंटीमीटर जंप करना है, बहुत सारे गेम्स हैं इस वेबसाइट के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हो और अपने माइंड को शार्प कर सकते हो. क्लियर है? नेक्स्ट है मूवीज मोड. ऐसे तो आपने और भी एप्लीकेशंस के नेम सुने होंगे जहाँ से हम मूवीज़ और सीरीज़ डाउनलोड करते हैं, बट उनके लिए भी हमें कई बार पे करना होता है, या फिर कुछ वेबसाइट्स होती है जो चलते चलते रुक जाती है, बट ये वेबसाइट ऐसी है जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी तरह की सीरीज़ और मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हो ईजीली. ठीक है, डिस्कवर एन एक्सपेंसिव कलेक्शन ऑफ मूवीज एंड सीरीज़ फॉर फ्री, फ्रॉम द लेटेस्ट रिलीजेस टू क्लासिक फेवरेट्स एंड एंडलेस एंटरटेनमेंट. क्लियर है? हर तरह की इंग्लिश मूवी भी है, हिंदी मूवी है, हर तरह की मूवीज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. नेक्स्ट है टाइनी बाउ. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है. इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम देखते हैं स्कूल टाइम पे जैसे आप PDFs वगैरह बनाते होंगे, अब एक PDF बनाई दूसरी PDF बनाई दोनों को मर्ज करते हैं, कैसे करें? गूगल पर जाते हो, बहुत सारी वेबसाइट सर्च करते हो बट नहीं मिलती. ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो बहुत सारे काम एक साथ करती है. आप यहाँ पर देख पा रहे हो PDF टूल्स भी हैं इसमें, इमेज टूल्स भी हैं, वीडियो टूल्स भी हैं, AI राइटिंग जिसे ChatGPT का काम होता है ना, कि आप उससे कुछ भी लिखवा सकते हो, सेम इज यहाँ से भी आप कुछ भी इससे राइट करवा सकते हो. फाइल टूल्स, बहुत सारे आपको टूल्स यहाँ मिल जाते हैं. क्विकली कन्वर्ट डॉक्यूमेंट्स इमेजेस एंड वीडियोस बिटवीन फॉर्मेट्स लाइक PDF, JPG एंड MP4. जैसे हमारे इमेजेस के फोल्डर, अगर हमें इमेजेस के अपने फॉर्मेट चेंज करने हैं, JPG में कन्वर्ट करना है, PNG में कन्वर्ट करना है, तो आप ईजिली यहाँ से कर सकते हो. जैसे आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ पे हमें KVs में पिक्चर्स मांगते हैं ना, तो आपको कई बार प्रॉब्लम आती है कि इसको KV में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप इस एप्लीकेशन से डायरेक्ट कर सकते हो. ठीक है, उसके लिए और भी एप्लीकेशन है ना, इमेज रीसाइज का, तो उससे भी आप कर सकते हो. नेक्स्ट बेसिक टूल्स फॉर रीसाइजिंग, क्रॉपिंग एंड एडिटिंग इमेजेस. इमेजेस में आपको चेंजेस करने हैं, रीसाइज करना है, क्रॉपिंग करना, एडिटिंग करनी, तो ईजिली कर सकते हो. मर्ज स्प्लिट एंड एडिट PDF फाइल्स. सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइल्स को मैं फाइंड करना पड़ता था, बट इस एप्लीकेशन से डायरेक्ट हो गया. आपने बस जाना है इस एप्लीकेशन पे, PDF टूल्स पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल सिलेक्शन का, तो आपने बस दो या दो से ज़्यादा फाइल्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो. PDF फाइल्स को आपने बस उठा के इसमें रखना है, वो ऑटोमेटिकली उसको मर्ज कर देगा. मर्ज करने के बाद आपको दोनों फाइल्स के पेजेस शो करेंगे, फर्स्ट वाली फाइल की भी और सेकेंड वाली फाइल की, तो उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि मुझे पहली वाली PDF का ये वाला पेज पहले फ्रंट पे चाहिए, फिर सेकेंड वाले का थर्ड नंबर वाला पेज मेरे को सेकेंड पे चाहिए. तो इस तरीके से हम इजीली इसको मर्ज कर सकते हैं. ठीक है, स्प्लिट करना है, अलग अलग करना है, या फिर उसमें कुछ भी एडिट करना है PDF फाइल्स में, तो आप इजीली कर सकते हो. नेक्स्ट है क्रिएट टेक्स्ट फॉर स्टोरी आइडियाज एंड क्रिएटिव राइटिंग. जैसे मैंने आपको बताया ChatGPT में जैसे हम क्रिएटिव राइटिंग निकालते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा आप यहाँ से भी कर सकते हो. कोई भी टेक्स्ट क्रिएट करना है या फिर राइटिंग्स इससे करवाना, मतलब AI राइट कुछ भी आपको चाहिए, कुछ किसी भी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, तो ईजीली आपको दे देगा. ठीक है, नेक्स्ट है
Palette FM is an AI tool that colorize black and white images automatically. जैसे हमारी कुछ पुरानी पिक्चर्स होती है जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में क्लिक कर लेते हैं, जैसे आप लोग स्नैप्स यूज़ करते हो, वहाँ से आपने कोई भी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में यूज़ कर ली, फिर आप बाद में सोचते हो कलरफुल होती तो कितना अच्छा रहता है ना, होता है ना। तो आप इस वाली वेबसाइट पर जाके अपने उस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को अगर यहाँ पर अपलोड करते हो तो आप उसको कलराइज कर सकते हो। आपको कलराइज के भी काफ़ी सारे फिल्टर्स और ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको जिसमें भी वो कलर करना है, मतलब जो भी कलर पैक उसमें ऐड करना है वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलराइज करने के लिए हम पैलेट एफएम टूल का यूज़ करते हैं। लास्ट है ऑटो ड्रॉ इज अ फ्री वेबसाइट दैट हेल्प्स यू ड्रॉ बाय सजेस्टिंग बेटर इमेजेस बेस्ड ऑन योर स्केचेस मेकिंग इट इजी एंड फन टू क्रिएट पिक्चर्स। इसमें क्या होता है, आपको एक पेन मिलता है ऑटो ड्रॉ वेबसाइट में, आप इस वेबसाइट पर जस्ट जाओगे, एक पेन मिलेगा, उससे कुछ भी फ्री हैंड बनाओ, कुछ भी आपने इसको कुछ भी फ्री हैंड बनाया और वो रियल पिक्चर में उसको कन्वर्ट कर देगा। अगर आप ट्री बना रहे हो तो उसको रियल ट्री बना देगा, और ट्री के साथ साथ आपको ऑप्शंस भी कई सारे दे देगा वो। ठीक है, कि आपको कौन सा ट्री चाहिए, कोकोनट ट्री चाहिए, बनाना ट्री चाहिए, अलग अलग कोई भी, अगर आप ह्यूमन बना रहे हो तो ह्यूमन से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑटो ड्राॅइंग्स आपको दे देगा, उस पर क्लिक करते ही वो रियल ड्राॅइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? थैंक यू। अब नेक्स्ट टाइम भी मैं कुछ आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट्स को लेके आऊँगी। इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हो। ठीक है।